हे वेलकम बैक गाइस। तो गाइस मैं हूं अंकित तोमर और स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी बैंक पर। गाइस ये है पार्ट टू, किसका? प्राइम मिनिस्टर का। पार्ट टू प्रधानमंत्री का। जी हाँ, इसमें हम देखेंगे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए उन सब के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्लस एक इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है राष्ट्रपति के समय मामले में। तो ये बहुत तीन कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, लेकिन यहाँ पे दो कार्यवाहक प्रधानमंत्री, इसलिए छोटा सा टॉपिक। और वो 13-13 दिन के लिए आए, वो छोटा सा टॉपिक लास्ट में करवा देंगे 1-2 मिनट का, और उसमें कुछ नहीं इतना। और भाई इसमें हम करेंगे भारत के जितने भी प्रधानमंत्री है सबके बारे में फैक्ट्स, जो कि हर एक बार एग्जाम में आते हैं। जैसे 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 प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, मतलब जो कांग्रेस का नहीं है, सबसे लंबे समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री, सबसे अधिक उम्र में बनने वाला प्रधानमंत्री, सबसे छोटी उम्र में बनने वाला प्रधानमंत्री, और बहुत कुछ बहुत कुछ। जी हाँ, तो चलिएगा ये स्टार्ट करते हैं, और प्लस इनको हम ट्रिक से करेंगे थोड़ा थोड़ा, देखते रहे जाना। पहला जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट पता होगा आपको भाई, इनका ऑर्डर मैंने पहले पार्ट वन में करवा दिया है, अगर नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेना भाई। तो चलिएगा जल्दी से चलते हैं। फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सबसे लंबा कार्यकाल था इनका, देखो देखो कितना, 16 साल। आपको दिखा भी देता हूं, 16 साल। जस्ट अ सेकेंड प्लीज, आई हैव टू टेक अनदर मार्कर। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट लेते हैं मार्कर। इनका कार्यकाल था 16 साल 9 महीने 12 दिन, 16 साल 9 महीने 12 दिन। अरे कोई नहीं कोई नहीं, सुन के लिख लो नोटबुक में, कोई नहीं। सबसे लंबा कार्यकाल आज तक का प्रधानमंत्री के पद पर जवाहरलाल नेहरू का था कितना, लगभग लगभग 17 साल बोल सकते हैं, वरना 16 साल 9 महीने 12 दिन। देखो पहले प्रधानमंत्री थे, सबको पता है, लगातार 2 बार बने, तीसरी बार थोड़े बने थे, लेकिन फिर हट इनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल में मृत्यु आकर 3 प्रधानमंत्री हुए, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ताशकंद समझौते में हुई थी, बड़ी रोमांचक कहानी बताऊं, लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा यही वाली इंदिरा, इंदिरा आ उनको तो भाई अलग ही स्टोरी थी यार उनकी, तो अंगरक्षक को यार खुद ही अपना नहीं मार दी वो तो। देखो चलिए अब आपको बता दें जल्दी से, तो ये बता दिया सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे नंबर के, भाई ये देख लेना, ये मैंने सीरियल जो है इनके नंबर वाइज डाल रखे हैं, जैसे दूसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री था, ये चौथे नंबर का था मोरारजी देसाई, इसलिए मैंने 4 लिख रखा है, सीरियल से नहीं लिख रखा, इनका नंबर लिख रखा है। दूसरे नंबर का था भाई लाल बहादुर शास्त्री, बड़ी रोमांचक कहानी, जरा सुनिएगा। लाल बहादुर शास्त्री, पहले ये सुन लो, कार्यकाल में मृत्यु हुई थी, अभी बताता हूँ, और इन बारे और इनके बारे में कोई मुख्य तथ्य नहीं, केवल ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखो लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे भाई अपने ताशकंद समझौते में, क्या हुआ ताशकंद समझौता बताता हूं, ताशकंद समझौता ये लिखा हुआ कहां पे, ये रहा ताशकंद। ताशकंद क्या है, राजधानी है भाई, कहां की, उज्बेकिस्तान की, जो आज उज्बेकिस्तान कोई देश है ना, पता होगा नाम तो सुना होगा यार, उज्बेकिस्तान एक देश है, उसकी राजधानी है ताशकंद। देखो पहले जो है वो पहले सुन लो, उज्बेकिस्तान की राजधानी है भाई ताशकंद आज के समय में, पहले उज्बेकिस्तान सोवियत संघ यानी यूएसएसआर यानी रशिया, तीनों का एक ही मतलब है, यूएसएसआर कह लो या सोवियत संघ कह लो हिंदी में, या फिर रशिया कह लो, एक ही देश है, पहले उसका हिस्सा हुआ करता था ये जो उज्बेकिस्तान था, जरा सुनते जाना बढ़िया कहानी मजा आएगा। उज्बेकिस्तान जो उसका हिस्सा हुआ करता था सोवियत संघ का, हुआ क्या देखो आपको पता है 65 में जो है भारत पाक का युद्ध हुआ था, पहला और दूसरा युद्ध भारत पाक का 71 में हुआ था, और तीसरा कारगिल का युद्ध 99 में हुआ। तो हुआ क्या देखो, जब 65 का युद्ध हुआ उसके बाद जो है ये भारत के अपने प्रधानमंत्री ये लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान, जरा लिख देता हूँ, बड़ी रोमांचक कहानी देख लेना, बहुत क्वेश्चन आएंगे इससे, बहुत इसके बारे में एक अलग टॉपिक बनाऊंगा, कभी वीडियो अलग वीडियो बनाऊंगा। अयूब खान, पाकिस्तान के अयूब खान और अपने भारत के, ये तो ये मैंने लिख ही रखा है, लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, ये दोनों जो है एक समझौता कर रहे थे भारत और पाकिस्तान की शांति को लेकर, क्यों भाई युद्ध हो रहे थे तो इसलिए समझौता तो करना था, तो भाई इन दोनों ने बैठक की वहां पर यूएसएसआर के सोवियत संघ के ताशकंद में। ताशकंद एक जगह का नाम है जो कि आज के जमाने में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, आज के जमाने में। तो ताशकंद में ये गए दोनों और वहां पर इनका समझौता हुआ, कितने कितनी तारीख को हुआ था, 10 जनवरी 66 को, 10 जनवरी, भाई वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन भाई फील लेना टॉपिक की पूरी, 10 जनवरी 1966 में।
याद कैसे करना है, ताशकंद समझौता इस दिन हुआ था, याद कैसे करना है ताशकंद, ताशकंद में एक वर्ड है ताश, ताश मतलब कार्ड्स पत्ते, कार्ड पत्ते वो ताश खेलते ना, वो ताश कौन खेलता, आपके चाचा जी खेलते हैं, नहीं खेलते होंगे कोई नहीं, इमेजिन कीजिए याद हो जाएगा, ताश कौन खेलता, आपके चाचा जी खेलते हैं, आपके चाचा खेलते हैं, सी एच ए सी एच ए, डिकोड करो सी एच का कोड छाएगा, ए का नो कोड, सी एच का कोड छाएगा, ए का नो कोड, नहीं देखी तो भाई आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख लेना, निमोनिक मेथड, ये निमोनिक मेथड से बता रहा हूं मैं, डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग, ताश कौन का समझौता आपके, ताश 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 कौन खेलता, आपके चाचा जी खेलते हैं, छह छह आएगा वो, आगे 19 चिपका तो 1966 आ जाएगा भाई, जरा फील लेना बढ़िया। 10 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ भाई ताशकंद का। अब देखो अगले दिन लाल बहादुर शास्त्री जी वहां से आने के वाले थे, बढ़िया समझौता हुआ, साइन वाइन कर दिया और वहीं पे रह गए, अगले दिन वो वहां पे आने, लेकिन हुआ क्या, अगले दिन उनको मार दिया गया। और आपको एक बात बताऊं सच्ची, आज तक उनकी मृत्यु एक राज बनी हुई है, रहस्य रहस्य, उसके बाद पता ही नहीं चला यार कैसे क्या स्ट्रेटजी करके उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को मारा, यार दूसरे देश का है, दूसरे देश के तो हम कैसे लगा पता लगाएंगे, रहस्य आज तक भी। तो देखो मैंने क्या कहा, ताशकंद का समझौता 10 जनवरी 1966 को, ज्यादा कुछ डीप में नहीं जाना, ज्यादा डीप में केवल बार बार सुनो, ताश कौन खेलता, आपके चाचा खेलते, 66 आएगा, आगे 1966 में ताशकंद का समझौता मोस्ट इंपोर्टेंट है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, उस टाइम पर ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज ये अलग देश है उज्बेकिस्तान। अब देखो हुआ बात समझ में आ गया, ताशकंद का समझौता, ताशकंद का समझौता कराने गए थे लाल बहादुर शास्त्री और वहीं पर इनकी डेथ हो गई थी, और उस टाइम ये प्रधानमंत्री, तो इसका मतलब कार्यकाल में मृत्यु, काम खत्म। ये देखो लाल बहादुर शास्त्री क्या क्या हुआ, केवल एक इंपोर्टेंट है लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है, क्या हुआ, ताशकंद के समझौते में डेथ हुई थी भाई, ताशकंद ताश कौन खेलता, आपके चाचा जी खोलते हैं ताश, वो पत्ते कार्ड्स इंग्लिश में बोलते हैं जिनको, कार्ड्स कौन खेलता, आपके चाचा खेलते हैं, डिकोड करो 66 आएगा, 1919 आगे चिपका दो, 1966 में होगा ताशकंद का समझौता, किस किस के बीच होता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान और अपने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी वहां पर, काम खत्म। अब नेक्स्ट आते हैं मोरारजी देसाई, मोस्ट फेमस और बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं इसके बारे में, देखना जरा, देखो ओ ये प्रथम, चलो जी हाँ, क्या है मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जरा देखना भाई, प्रथम गैर कांग्रेसी मतलब जो कांग्रेस के नहीं थे, देखो गैर कांग्रेसी याद करने के लिए गैर ले लो, गैर मतलब जो अपना नहीं होता, जो प्राय होता उसी को बोलते हैं गैर, गैर देसाई जी हाँ, गैर मतलब अंग्रेजों को बोल रहे हैं हम, गैर हमारे देश आए थे ना भाई, बिल्कुल लूट के ले गए थे सोने की चिड़िया को, बिल्कुल गैर देसाई, थोड़ी सी ट्रिक बना रहा हूं थोड़ी सी, तो इसलिए गैर कांग्रेसी मतलब गैर हमारे देश आए, जी हाँ अंग्रेज गैर थे ना और वो देश आए थे, मतलब ऐसे ही देसाई मतलब मोरारजी देसाई, हिट करेगा हिट। नेक्स्ट है त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री, बिल्कुल इससे पहले सभी ने, किसी ने भी त्याग पत्र नहीं दिया, दोनों अपने कार्यकाल में मृत्यु हुई है लेकिन त्याग पत्र नहीं दिया, लेकिन इन्होंने त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे, खुद त्याग पत्र दिया था, क्यों दिया था भाई, इन पर जो है अविश्वास प्रस्ताव जारी हो गया था, अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था इनको, तो त्याग पत्र सबसे पहले किसने दिया, मोरारजी देसाई ने, मोरारजी को रिलेट कर दो राजा मतलब पता था, राजा को रिलेट किया मोरारजी से, और राजा सबसे पहले त्याग पत्र किसने दिया था, राजा ने दिया था, और अविश्वास प्रस्ताव के कारण दिया था, ये थोड़ा सा याद कर लें, सबसे अधिक उम्र 81 वर्ष, राजा कौन बनता है जो सबसे अधिक उम्र का होता, तो ऐसे रिलेट कर लें, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे अधिक उम्र का कौन बनता है, राजा ही बनता, सबसे अधिक उम्र का ही राजा बनता है, चौधरी चरण सिंह। भाई देखो संसद या लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री, आज तक केवल एक ही प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने संसद का या फिर कह लो लोकसभा का, या पूछे संसद का या पूछे लोकसभा का, दोनों का आंसर चौधरी चरण सिंह आया, जिसने किसने किसी ने लोकसभा का या फिर संसद का सामना नहीं किया, किसने, चौधरी चरण सिंह ने, याद कैसे रखना, तो वो लोकसभा लोक मतलब लोग और संसद और लोग मतलब लोगों का सामना कौन नहीं करना चाहेगा, संसद और लोग को रिलेट किया लोगों से, भाई लोग का मतलब लोग ही होता है, तो संसद और लोगों का सामना कौन नहीं करना चाहेगा, चोर मतलब डाकू पता होगा, संसद और लोगों का सामना कौन नहीं करना चाहेगा, चोर से बन गया चौधरी चरण सिंह, चाहे और किसी भी प्रधानमंत्री में आगे चोर नहीं है, चाहे नहीं है, केवल इसी में चौधरी चरण सिंह में काम खत्म, संसद या
लोग सब लोगों का सामना कौन नहीं करना चाहेगा, चोर, चोर से हुआ चौधरी चरण सिंह काम खत्म, ये तो रिलेट हो गया बढ़िया से। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, इंदिरा गांधी आपातकाल में, बिल्कुल भाई बिल्कुल यार आपातकाल में नहीं हुई तो और कब होगी, ये 66 से 77 तक थी देख लो कार्यकाल, मैंने अब की बार याद नहीं किया, ये पिछली बार राष्ट्रपति में मैंने सबके कार्यकाल याद कराए थे, लेकिन भाई इनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए काम खत्म छोड़ो उसको, इतना डेप्थ में नहीं जाना। गांधी वो इंदिरा गांधी जो है 66 से 77 तक थी, और भाई कब लगा था आपातकाल, 25 जून 1975 से 21 मार्च 77 बताऊंगा, ये भी बढ़िया सा 25 जून 1975 से 21 मार्च 77 तक लगा था आपातकाल, तो ये आपातकाल में के दौरान यही प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्हीं ने उसको क्या था उसको फखरुद्दीन था ना, हाँ उसको जो है कहकर आपातकाल लगवाया था राष्ट्रपति। नेक्स्ट है राजीव गांधी, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो राजीव में एक वर्ड है जीव मतलब जीवन, जीवन इनका जीवन जो मतलब सबसे छोटा था, मतलब सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए थे राजीव गांधी, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री ऐसे रिलेट कर सकते हो जल्दी से, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते, तो भाई चलेगा जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट में हमारे पास पीवी नरसिम्हा राव, देखिएगा 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, करवाया था ना वो तो पिछली वीडियो में याद करवा दिया था, पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, जी हाँ नरसिम्हा राव जो है वो पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। याद कैसे रखना, देखिए इसमें एक वर्ड है सदस्य, जी हाँ इसमें एक वर्ड है नरसिम्हा भगवान थे ना, आधे नर आधे शेर, तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, नरसिम्हा भगवान को प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन के सदस्य होने की जरूरत नहीं है, नरसिम्हा भगवान को प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो आम प्रधानमंत्री हुआ, वो तो भगवान है, वो तो बिना किसी सदन का सदस्य हो बिना बन सकते। तो नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, थोड़ा सा हिट करेगा भाई, एक दो बार रिवाइज कर लेना, ये जल्दी याद होगा ट्रिक से। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी सबसे छोटा कार्यकाल रहा बताया कितने दिन, जी हाँ 13 दिन केवल 13 दिन का कार्यकाल रहा अटल बिहारी वाजपेयी का, लेकिन ये 11वें नंबर पर 13 दिन का कार्यकाल रहा, 3 बार चुने गए आज तक के सबसे ज्यादा बार बनने वाले प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा बार मतलब नंबर्स में संख्या में कितनी बार कौन राष्ट्रपति कौन प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा बना, वो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार बने हैं, 3 बार, तीन जी हाँ तीन, पहला बने ये 11वें नंबर पर, दूसरे 14वें नंबर पर, तीसरे 15वें नंबर पर, 3 बार जी हाँ। चलिएगा इनको बताते हैं अभी, ये अटल बिहारी वाजपेयी कैसे, देखो सबसे छोटा कार्यकाल 13 साल, सबसे छोटा कार्यकाल देखो कैसे याद कैसे करना है, 11 का कैसे बना था, एक बिहारी 11 में एक है ना, मतलब एक पर फोकस कर रहा, एक बिहारी सब पर भारी, मतलब 11वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन कितने दिन तक रहेगा भाई, सबसे थोड़े दिन तक रहेगा ना एक बिहारी सब पर भारी, और फिर थोड़े दिन बाद वो सब जो लोग जिन पर वो भारी हुआ था वो सब मिलकर उस बिहारी को पीटेंगे, मतलब एक बिहारी सब पर भारी कितने दिन तक, थोड़े दिन तक रहेगा ना बिल्कुल, तो मतलब सबसे कम समय के लिए, सबसे थोड़े समय के लिए, सबसे कम समय के लिए सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था, बस एक बिहारी सब पर भारी कितने थोड़े बहुत दिन तक रहेगा भाई, ज्यादा दिन तक तो रह नहीं, मतलब थोड़े दिन तक का कार्यकाल, मतलब सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था। नेक्स्ट है एचडी देवगौड़ा, पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे भाई, बिल्कुल विधानसभा में एक वर्ड है धान, मतलब पैडी, मतलब राइस, वो धान की फसल होती है उसका, उसकी बात कर रहा हूं भाई मैं, धान मतलब पैडी राइस। अब देखा धान किस पर डिपेंड करते हैं, गोड़ मतलब भगवान, देवगौड़ में एक वर्ड है ना गोड़, अपनी नोटबुक में अंडरलाइन कर लेना, गोड़ देवगौड़ा में एक वर्ड है गोड़, और विधानसभा में एक वर्ड है धान, धान किस पर डिपेंड करते हैं भाई, गोड़ पर, भगवान पर भाई, आदमी तो केवल उसमें पानी वगैरह दे सकता है और कुछ देखभाल कर सकता हूं कि, बाकी आखिरकार तो वो भगवान पर ही गोड़ पर ही निर्भर है ना भाई, कोई बीमारी वगैरह ना आए और कुछ ओले वगैरह ना पड़े ऐसा कुछ। देखो तो धान किस पर डिपेंड करते हैं, गोड़ पर, मतलब देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा विधानसभा सदस्य थे पद ग्रहण करने से पहले, काम खत्म, 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए जाने वाली पार्टी आज तक की कौन सी, आज तक पूरे प्रधानमंत्रियों की सीरीज में 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री किसने दिए, 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री मतलब एक एक वर्ष का एक एक प्रधानमंत्री वो दिए भाई जनता दल ने, जनता पार्टी में ने नहीं, दो ऑप्शन आएंगे जनता पार्टी जनता दल ऑप्शन, दोनों आएंगे भाई आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन वो दिए हैं जनता दल ने ना कि जनता पार्टी ने, और कौन कौन से दिए बता देता हूं, एचडी देवगौड़ा,
एचडी देवगौड़ा कब से कब तक, 96 से 97 यहाँ पर लिख रहे ना भाई, कोई नहीं आप लिख रहे, 96 से 97 तक रहे एचडी देवगौड़ा। फिर आया आई के गुजराल, ये भी जनता दल के थे, दोनों जनता दल के थे और 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री बने थे। ये रहा 97 से 98। फिर अगला मतलब भाई ये तो ये हो गए 2 प्रधानमंत्री, ये 96 से 97, ये 97 से 98, 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री थे, ये काम खत्म। अब भाई ये आया अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये जब आई के गुजराल गया तो उसके बाद भाई बीजेपी का भाजपा का आ गया, ये गया 98 से 99। अब एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग बात ये लिख लो भाई, अटल बिहारी वाजपेयी 18 से 99 तक थे, 1998 से 99 भाई 1900 लगा देना आगे कभी खाली होगा, 98 से 99 लिख लो, 1998 से 1999 तक थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन से नंबर के भाई, ये 14वें नंबर के थे, 14वें नंबर वाले। देखो याद कैसे करना है, याद कैसे, देखो अभी बताऊं। एक वोट से सरकार गिरी थी इनकी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक वोट से किसकी सरकार गिरी थी, वो गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी। आपकी वोट से नहीं, आपकी वोट से नहीं करा, आम आदमी के वोट से नहीं, लोकसभा की वोट से। देखो बताता हूँ, अभी स्टोरी सुनाता हूँ। लोकसभा चुनाव हुआ था 1999 में, 13वां लोकसभा चुनाव, यहाँ पे लिख रहा हूँ नोटबुक में, जरा बढ़िया से लिख लेना, 13वां लोकसभा चुनाव, बात है 1999 की, बात है 1999 की, 13वां लोकसभा चुनाव हुआ, 13वां लोकसभा चुनाव 1999 हुआ। उसमें ये जो बीजेपी के थे, भाजपा के थे ना भाई अटल बिहारी वाजपेयी, इसके इनके हित में 269 वोट सी दबके, जबकि इनके विपक्ष में 270 वोट हो गई। वो हुई किसके कारण, ये हारे किसके कारण, ये एक वोट किसने आखिर में किसने ज्यादा दी, वो दी भाई अपने, अभी बताता हूं, जस्ट अ सेकंड प्लीज। बड़ा ही फेमस नाम है गिरिधर गोमांग। हालांकि ये मेरे को थोड़ा नाम ध्यान नहीं था, देख लेना गिरिधर गोमांग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है गिरिधर गोमांग। इसने जो है गोवा के कुछ सीएम थे उस साइड, उस टाइम पे, देख लेना भाई अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 99 तक रहे एक वोट से, फिर ये एक वोट से हार गए, केवल और केवल एक वोट से सरकार गिरी थी, एक वोट से सरकार गिरी थी इनकी, इनके पक्ष में 269 सीट थी, 13वां लोकसभा चुनाव था 1999 में हुआ था, इनके पक्ष में 269 थे और विपक्ष में 270 थे, तो इसलिए हो गया था काम। किसने किया था ये सब, गिरिधर गोमांग, उस एक वोट की वजह से। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले सिख प्रधानमंत्री थे, आज तक की फोटो आपको दिख रही होगी, उसमें केवल पगड़ी बांध के, एक ही प्रधानमंत्री होगा जिसमें पगड़ी, टोपी नहीं पगड़ी, वो वाली पगड़ी बांध के केवल एक ही प्रधानमंत्री दिखेगा आपको, वो होगा अभी जो गए थे 2014 में, जिन्होंने पद छोड़ा था, मनमोहन सिंह। और भाई अब चल रहे हैं मोदी, लेकिन मोदी के बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो कि पेपर में आ सकते हैं, लिख लेना, मैं वैसे बता रहा हूं। मोदी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज तक के गैर कांग्रेस, मतलब जो कांग्रेस के नहीं है, गैर कांग्रेस, सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखो एक बार, सबसे लंबे समय तक रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं भाई। तो एक सेकंड के लिए रिवीजन करवा देता हूं सभी की जो मैंने करवाए। देखो सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री, सबसे लंबे, खाली लंबे आज तक के, पहले जवाहरलाल, पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, काम खत्म, वो थे सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री। अब नेक्स्ट क्या था, हाँ पिछली स्लाइड वाला भी देख लो, सबसे अधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री वो थे 81 साल के, कौन बने थे, मोरारजी देसाई। और सबसे छोटी उम्र के बनने वाले, सबसे कम उम्र के बनने वाले राजीव गांधी थे। और भाई देख लेना सब कुछ, अभी इसका भी, इस स्लाइड का भी कुछ रिवाइज करवा देते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, 13 दिन का अटल बिहारी वाजपेयी का। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा आज तक, जवाहरलाल नेहरू, काम खत्म, वो तो हो गया था। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर देश आए, मतलब मुरारजी देसाई ऐसे कुछ लान कर लेना इनको, पहले सिख प्रधानमंत्री भाई, मुस्लिम आज तो कोई बने नहीं, आज तो मुस्लिम कोई प्रधानमंत्री बने ही नहीं, इसका कोई वो रिलेशन नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले सिख प्रधानमंत्री ये बने सिखों में, बस। अब और तो क्या है, एक वो ताशकंद समझौता, जरूर मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ताशकंद समझौता में किसकी मृत्यु हुई थी, वो हुई थी लाल बहादुर शास्त्री। और आज तक के कार्यकाल के दौरान मरने वाले सभी प्रधानमंत्रियों में केवल और केवल 3 प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान मरे हैं, बताया था मैंने आपको पहले भी, पहले जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद, हाँ कार्यवाहक रह गया, अभी बताता हूँ, उनके बाद आया कार्यवाहक प्रधानमंत्री,
और दूसरे कौन मरे थे कार्यकाल के दौरान, लाल बहादुर शास्त्री पता ताशकंद में मरे। तीसरे इंदिरा गांधी, उन्हीं को उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मार दी थी। अब एक बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारे में बता देता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लेना तो बता ले लो, यहीं पे बता देता हूँ, एक सेकंड के लिए रब करके, चलो यहां से रब कर देते हैं। थोड़ा सा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बारे में देखना, कार्यवाहक और कुछ ज्यादा इसमें नहीं है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जरा हेडिंग डाल लेना, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जरा ये भी रेज कर देता हूं तो। जी हां चलिए, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक इसको कार्यकारी भी बोलते हैं, कई एक बार एग्जाम में कार्यकारी लिखा है तो कंफ्यूज मत करो। देख कार्यवाहक कार्यकारी आज तक केवल दो आए हैं, कब आए हैं, मरने के उपरांत आए। कौन मरा था सबसे पहले, जवाहरलाल नेहरू मरा था, उसके बाद उसके उपरांत आया था कौन आए थे भाई, गुलजारी लाल नंदा, ये तो आपको पता हुआ। कार्यकारी केवल आज तक एक ही आया, गुलजारी लाल नंदा, वही एक एक बार आया। मतलब देखो देखो, सबसे पहले कौन मरा, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आया कार्यकारी 13 दिन के लिए, कार्यवाहक प्रधानमंत्री 13 दिन के लिए, नाम क्या था, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा 13, केवल और केवल 13 दिन के लिए, केवल और केवल 13 दिन के लिए। और फिर दोबारा भी यही आया था, दोबारा किसके मरने पर आया था, वो ताशकंद समझौते में कौन मरे थे, लाल बहादुर शास्त्री, उनके मरने के उपरांत आया था यही गुलजारी लाल नंदा। लगा लो ऐसे स्लैश लगा लेना, मैंने तो आपको बताना भाई। केवल देखो पहली बार भी यही आया जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद, दूसरी बार भी जो वो मरे थे लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद भी। लेकिन इंदिरा गांधी जब मरी थी उसके बाद कोई भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं आया था, सीधे राजीव गांधी हो गए थे, बस काम खत्म। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आया था ना, तो ऐसे। तो भाई ये छोटा सा टॉपिक था, दोनों 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 बार केवल 13 दिन के लिए आया था, ये पूछा जा सकता है कि कितने दिन के लिए आया था, 13 दिन के लिए केवल और केवल। और सबसे छोटे प्रधानमंत्री भी आज तक 13 दिन के लिए बने, बस इतना कुछ याद कर लेना भाई, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आया, मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट करवा दिया भाई, वरना करने को तो बहुत कुछ है, कितने भी क्वेश्चंस ले लो, वरना भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है। तो चलिए गाइस, इसके साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।